रेंज ऑफिसर हर्षित सक्सेना सर। मैं खुद ही इनसे बहुत अच्छे से इंस्पायर हूँ। मैं मेरे साथ के इतने भी बैचमेट्स जो मेरे रहे हैं, जो पहले लेबर इंस्पेक्टर थे, जो आज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बने हैं, तो उनके संपर्क से आज मुझे सर के दर्शन हुए हैं। तो मैं बिना समय वेस्ट करे सर से फटाफट वो इम्पोर्टेंट जो मोटिवेशनल क्वेश्चन है वो पूछूंगा। तो सर आप अपनी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताइए। जी, मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और आज यहाँ। कितने साल लगते हैं आपको तैयारी करने में? जी, तैयारी तो खैर ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी और उसके बाद मैं काफ़ी टाइम दिल्ली में भी रहा। 1.5-2 साल मैंने अपने दिल्ली में बिताए हैं। UPSC की प्रिपरेशन मैंने बेसिकली करी है और साथ साथ बाकी फॉर्म्स भी भरता था और MPPSC भी उसी में एक था और मेरा बाकी जगह भी सिलेक्शन हुआ बीच में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। IB ACIO 2 एक पोस्ट होती है, उसमें ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी, एक्सटेंशन ले लिया था और फिर फॉरेस्ट में मेरा हो गया। MP की किसी एग्जाम्स में और हुआ है क्या आपका सिलेक्शन सर? जी नहीं, ये मेरा पहला था। पहला MPPSC के लिए मेरा ये पहला मेंस था जो कि पहली बार में ही निकला और उससे पहले मेरा कभी प्री भी नहीं निकला था। पहली बार में चौका मार दिया आपने। जी, उसके बाद अभी भी प्रिपरेशन जारी है। अरे आप तो सर सब कुछ तो मिल गया, इतनी अच्छी पोस्ट है, संतुष्टि तो कभी खत्म ही नहीं होती जीवन में। जी जी, ट्राई करते रहना चाहिए। तो आपकी कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस क्या था सर, कि आपने कैसे तैयारी करी? मतलब कुछ स्ट्रगल फेस किया हो अपने फ्रस्ट्रेशन? जी जी, फ्रस्ट्रेशन आता है, मैं समझता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और सारी प्रॉब्लम्स हैं, रिजर्वेशन भी उसमें है और सबको ले करके चलना पड़ता है। कोचिंग जो है एक अहम पार्ट हो गया है, लेकिन पहले और अब में ये डिफरेंस आया है कि जो कोचिंग है वो ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन वीडियोस आपके पास अवेलेबल हो गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में जाके ही कोचिंग करें। आप घर बैठ के अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, कोचिंग जो भी आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं जिस भी कोचिंग के, ऑनलाइन कोचिंग के, आप उसको फॉलो करिए। करंट अफेयर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप उसके अपने नोट्स बनाएं, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। यही मैंने भी किया था हमारे टाइम पे, बस ये डिफरेंस था कि ऑनलाइन चीज़ें कम थी। हम लोग सर्च करते थे तो हमको 1 या 2 साइट्स मिलती थी और हमने ज़्यादातर चीज़ें ऑफलाइन ही करी। तो कोचिंग जब मैं दिल्ली में जाके मैंने की, तो मैंने कोई ऐसे बड़ी कोचिंग नहीं ज्वाइन करी, मैंने मॉड्यूल्स ज्वाइन कर लिए थे, जैसे ऑप्शनल के लिए कर लिया या फिर करंट अफेयर्स के लिए कर लिया, द हिंदू का चलता था वहाँ पे, उनका कर लिया। तो ऐसे करके मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। बीच बीच में मुझे फ्रस्ट्रेशन भी आती थी और टाइम बीतता चला जा रहा था, कहीं सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था, तो प्रेशर भी था घर से। तो ये MPPSC का जब मेरा प्री निकल गया, उसके बाद मैंने मेंस की रिजल्ट के बाद मैंने तैयारी शुरू करी, तो साथ ही साथ मैंने अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी शुरू करी और अपना मेंस की भी तैयारी शुरू करी, अपने नोट्स बनाए और स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हुए मैंने फिर दिया, तो अच्छा मेरा रिजल्ट आया। तो एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सबसे बड़ा सवाल यही है, हर मुझसे भी यही पूछते हैं कि 1 घंटे में कितने घंटे पढ़ता था, आप कितने घंटे पढ़ते थे? जी, क्या है कि कोई आदमी 2 घंटे पढ़ के भी IAS बन जाता है, कोई कोई 15 घंटे भी पढ़ता है, तो ये तो सब्जेक्टिव बात है। लेकिन ये है कि आप टारगेट बेस्ड करिए पढ़ाई और ये देख लीजिए कि आज मुझे एक चैप्टर खत्म करना है या फिर एक सब्जेक्ट उठाना है, तो उसका कौन सा टॉपिक कितना मुझे रात तक खत्म हो जाना चाहिए, इस पे आपका फोकस रहना चाहिए। वो आप अचीव करोगे, फिर नेक्स्ट डे आप अपने आप को इस तरीके से रोज शाबाशी दो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो। इससे आपका एक मोटिवेशन बना रहता है। आप ये मत सोचो मैं 15 घंटे ही पढ़ूंगा या 10 घंटे पढ़ूंगा, इससे आपकी पढ़ाई सही से आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी आप बताइए, किस टाइप से आपने, मतलब अगर अपन सिर्फ फॉरेस्ट रेंजर की बात करें तो इसकी आपने क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखी थी? जहाँ तक फॉरेस्ट सर्विसेज का सवाल है, MPPSC का जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होता है प्री का तो सेम ही है, और जब हमारा मेंस का पेपर होता है, हमारे टाइम पे 2017 तक सब्जेक्टिव था, आंसर राइटिंग थी उसमें मेंस में, लेकिन 2018 से इसका पैटर्न चेंज कर दिया गया, इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया गया पूरी तरीके से, और सवाल उन्हीं सब्जेक्ट से आता है लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो हमारे टाइम पे हमने मेंस पे क्या किया था कि जो भी हमारा एनवायरनमेंट, जैसे मेरा ऑप्शनल एनवायरमेंटल था, तो मैंने क्या किया कि एनवायरमेंट की कुछ 2-3 स्टैंडर्ड बुक्स खरीदी, उनको मैंने पहले रीड आउट किया जल्द से जल्द और फिर उस पर अपना नोट्स बनाना शुरू किया। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप रहता है वो यही है कि आपका जो सिलेबस है उसको आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, गो थ्रू दैट, और फिर उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि इस टॉपिक का आएगा तो मैं ये लिखूंगा, इस टॉपिक से ये सवाल बन सकते हैं। और एक और इसमें चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेंस में जब मैंने मेंस दिया था तो मेरे दिमाग में ये बात थी, ये सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं है, किसी भी मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक अच्छा चीज़ साबित हो सकता है कि
आपके दिमाग में होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बाकी लोग क्या लिख रहे होंगे और मैं क्या लिख रहा हूँ, और मैं जो लिख रहा हूँ मेरे आंसर में हमेशा कोई ऐसी एक दो बातें होनी चाहिए जिससे मुझे बाकी लोगों से एक या दो मार्क्स ज़्यादा ही मिले, कम ना मिले। ऐसा ही आप हर क्वेश्चन में जब करते चले जाएंगे अपने आप मेरिट में आप सबसे ऊपर हो जाओगे। जो लोग सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक भी लाते हैं उनके अंदर भी यही बात होती है, वो बाकियों से कोई एक दो पॉइंट अच्छा लिखते हैं तभी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। यही मेरी भी स्ट्रेटेजी थी। खैर अब फॉरेस्ट में ये हो गया है कि ऑब्जेक्टिव हो गया, तो मेरा ये आप सबको सजेशन रहेगा कि आप लोग कोशिश करिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करिए, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट का हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस क्वेश्चन बैंक्स अलग अलग पब्लिकेशंस के आते हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए, उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है प्री तो सर निकाल ही लेते हैं, निकालने वाले तो अभी इसकी जो मेंस जो रहती है ऑब्जेक्टिव है, तो उसके लिए आपने कौन कौन सी बुक्स प्रेफर की थी, बुक्स के नाम याद है सर आपको? मेन जो पब्लिकेशंस एमपी में जो चलती हैं वो पुड़ेकर और महावीर पब्लिकेशन है। रेंजर के लिए? रेंजर के लिए भी अब निकलने लग गई हैं, पहले ये पैटर्न नहीं था ऑब्जेक्टिव, तो अब उसके लिए भी आने लग गया है फॉरेस्ट के लिए भी। उसमें आप ये कर सकते हो, जो मैंने जहाँ तक मुझे पता है पैटर्न के बारे में, जो मेंस का पैटर्न हो गया है कि उसमें पेपर वन और पेपर टू होता है, एक पेपर जीएस का होता है, एक पेपर साइंस एंड एनवायरनमेंट का होता है। तो साइंस एंड एनवायरनमेंट में आप कोशिश करिए, स्कोरिंग होगा और वो आप उसके जितने भी पहले क्वेश्चंस आए हैं साइंस एंड एनवायरनमेंट से पीएससी के किसी भी पेपर में, वो आप सारे लगा लीजिए, भले ही वो आपके व्यापम के हों या फिर आपके पीएससी के हों, वो आप सारे लगा लीजिए। और आप जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड कुछ बुक्स आती हैं उनको आप फॉलो करिए, उनको उनमें भी जो क्वेश्चंस बाकी एग्जाम्स के साइंस के हों एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों उनको आप सॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, उतना ज़्यादा आपके स्कोर हाई होता जाएगा उसमें मेंस में। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप अपना, सारी चीज़ें शेड्यूल रनिंग भी करते थे ना आप? जी टाइम मैनेजमेंट का ये था कि जब मेरी मेंस की तैयारी का फेज चल रहा था तो मैं शाम का टाइम रखता था अपने दौड़ के लिए, मैं एक घंटा दौड़ने जाता था, तो उसमें थोड़ी देर एक्सरसाइज करता था, थोड़ी देर रनिंग करता था, और बाकी जो मेरा दिन का टाइम रहता था उसको मैं दो तीन पार्ट में बांट लेता था कि मैं सुबह जैसे मान लीजिए कि राइटिंग प्रैक्टिस करूँगा और फिर दिन में उसका एनालिसिस करूँगा मैं कितना लिख पाया कितना नहीं लिख पाया, और रात में थोड़ा बहुत मैं ऐसे या फिर ऐसा कुछ साइड में देखूंगा कि उसमें मैं क्या क्या पॉइंट्स बना सकता हूँ अलग अलग टॉपिक्स में। पहले ही छाट लेता था कि कल मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा उसमें मेरे ये पॉइंट्स रहेंगे, इस टाइप से मैं अपना टाइम को मैनेज कर लेता था। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था कि मैं रात रात भर पढ़ रहा हूँ, मैं दो दो घंटे का फेज़ रखता था, दो घंटा सुबह, दो घंटा दिन में और दो घंटा रात के लिए। जो पढ़ो अच्छे से ही पढ़ो जी, कम पढ़िए, बस अपने नोट्स बनाते चलिए वही आपको, क्योंकि जब मेंस का पेपर आता है तो दो तीन दिन पहले आप पैनिक कर जाते हो कि क्या पढ़ना है लास्ट टाइम पे, बुक्स बहुत सारी फैली हुई होती हैं सामने, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये मेरे नोट्स से जो मैंने पिछले तीन महीना दो महीने में पढ़ाई की है, बस आप उन्हीं को फॉलो करो, उन्हीं को लिख दो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, आपको उतने में ही आपकी सारी नॉलेज निकाल देनी है सालों की, तो उसके लिए आपके वही नोट्स काम आएंगे, तो नोट्स ज़रूर बनाइए। आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट टॉपिक कौन से थे? टफेस्ट टॉपिक ऐसे तो टफेस्ट नहीं कह सकते, हार्ड तो सभी टॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जैसे कि करंट अफेयर्स रहता है, वो दिखता आसान है लेकिन वो हार्डेस्ट रहता है और आपको सबसे ज़्यादा स्कोर भी करा सकता है। आपके किसी भी आंसर में अगर आप करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स डाल रहे हो तो वो आपको बहुत बेनिफिट करता है। जो एग्जामिनर है वो स्टैटिक पार्ट नहीं, वो आपके में डायनेमिक पार्ट ढूंढ रहा होता है आंसर में कि इसने बाकियों से क्या अलग लिखा, तो वो करंट अफेयर टॉपिक होता है जो कि सबसे हार्ड भी कहा जा सकता है और जो सबसे आसान भी कहा जा सकता है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। सेकंड पेपर में से मेंस चल रहा था उसमें कुछ करंट अफेयर्स के आते हैं क्या सवाल? करंट इतना तो मैंने नहीं देखा है पेपर में क्या है उसका एग्जैक्टली, देखना पड़ेगा सिलेबस वगैरह पूरा, लेकिन करंट अफेयर्स के बिना पेपर बन ही नहीं सकता है कोई भी, ये देखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा सिलेबस को। हाँ करंट अफेयर्स हाँ आ सकता है बिल्कुल। और सर जो मेंस के लिए था आप कुल मिला के, जैसे अभी जो कोचिंग ऑन है, अब मैं उनके नाम तो नहीं लूंगा कोचिंग के, और जैसे एक एक लाख दो दो लाख रुपए फीस चलती है, बहुत जिनके नाम ही हम आपको रेंजर भी बनाएंगे पैकेज, चलो मेरे हिसाब से ऐसा है कि 10-15 हज़ार तक में तो ठीक है, और ये बहुत इस टाइम की कम कोचिंग रहती है, बच्चा जनरली दो दो लाख एक एक लाख की कोचिंग पे ही भागता है, तो इस बारे में सर आप उसके आपकी क्या राय है कि सेल्फ स्टडी जो है, मैं खुद एक्चुअली सेल्फ स्टडी से ही पढ़ के बना हूं मैं लेवल इंस्पेक्टर, तो आपने भी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से की होगी, तो उसके बारे में बताइए कि सेल्फ स्टडी में कहां बच्चा जो चूकता है और सीधे कोचिंग पे भागता है और नुकसान नहीं हो किसी बच्चे को? जी एक्चुअली क्या है आज के टाइम में ऐसा हो रहा है, जैसे ही लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उसके बाद उनका टारगेट हो जाता है कि हमें तो भाई आईएएस पीसीएस बनना है, तो उसके लिए वो लोग बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम उनको गाइड करते हैं और लोग अंधाधुंध जाकर के पैसे जमा कर देते हैं, एक बहुत हेफ्टी अमाउंट होता है उनसे ले लिया जाता है और उसके बाद सिलेबस टाइमली कम्प्लीट नहीं किया जाता है,
वन टू वन जो है उसमें इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, इन सब से बचना चाहिए। और कोई भी कोचिंग को यह नहीं कहा जा सकता कि वो आपको बना ही देगी, कोई पोस्ट आप उठा ही लेंगे, आप सिर्फ अपनी मेहनत से ही ऊपर जा सकते हैं। आपको पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए सेल्फ स्टडी पे मेरे ख्याल से। और कोई कोचिंग अगर आप अटेंड कर भी रहे हैं, आप पहले से उसमें पता कर लें कि उसमें वो कब कितने दिनों में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और जो फैकल्टी है वो कितनी पढ़ी लिखी है, वो कहाँ से आए हैं, क्या हैं, आपको डेप्थ पता रहनी चाहिए। आप अंधा विश्वास किसी पे भी मत करिए। जैसे कुछ गांव से बच्चे आते हैं, वो बेचारे पैसे वगैरह जमा कर देते हैं, फिर उसके बाद उनको झेलना भी पड़ता है। सेल्फ स्टडी में जो चीज़ आप मिस कर सकते हैं बस ये है कि एक ग्रुप या फिर डिस्कशन का पार्ट जो है वो उसमें मिस हो जाता है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई अपना एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल बना लीजिए जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन जो आंसर डाउट सेशन रख सकते हैं उनसे और डिस्कशन कर सकते हैं। आप दिन भर पढ़िए करंट अफेयर के सेशन में, शाम को जैसे चाय पीने जाइए तो करंट अफेयर के बारे में उसमें बातें करिए उनसे, तो इससे आपका अच्छा वो रहता है। और क्वेश्चनिंग करके आपका थोड़ा सा डाउट भी क्लियर होता है और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, वो चीज़ याद भी रहती है। आप जब ग्रुप में बात करते हो तो वो चीज़ आपको बहुत दिनों तक याद रहती है कि ये चीज़ मैंने डिस्कस करी थी। ऐसे आप सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो, एनरिच कर सकते हो। सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर जी, कोचिंग से तो मैं भी जानता हूँ ज़्यादा कुछ। तो सर आप अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी एक्चुअली इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था, थोड़ा नर्वस होकर मैं अंदर गया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर में ही वो लोग आपको ईज आउट कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपको बस ये पता रहना चाहिए कि मुझे इंटरव्यू किस डायरेक्शन में ले जाना है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही रहेगा। मुझे उम्मीद से ज़्यादा ही मार्क्स मिले थे, 100 में 91 मार्क्स थे मेरे उस टाइम पे, तो उम्मीद से अच्छे मुझे मिले। और उसमें जो क्वेश्चनिंग थी वो जहाँ तक मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी उसी के आसपास ही थी। फॉरेस्ट का इंटरव्यू था तो फॉरेस्ट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें काफ़ी पूछे गए थे। और आपकी हॉबीज़, जो आप हॉबीज़ लिखते हो वो हॉबीज़ पे क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत सोच के लिखना होता है। जैसे मैंने प्लेइंग क्रिकेट लिखा था तो क्रिकेट से काफ़ी उन्होंने अंदर डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे थे, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको फॉर्म भरना है। और बाकी जो आपका ग्रेजुएशन स्ट्रीम रहता है उससे भी एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। और आपका मेन फोकस वो लोग ये करते हैं कि आप जो है इस पोस्ट के लिए कैसे फिट करते हो, ये आपको प्रूव करना होता है, एक तरीके से आपको कन्विंस करना होता है उनको कि मैं इस पोस्ट के लिए फ़िट हूँ और मैं जो है इसमें पीएससी में सेलेक्ट होने लायक हूँ, बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा हूँ, ये आप किसी भी तरीके से प्रूव कर दीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए अंदर, आपको नज़रें मिला के बात करनी है और क्वेश्चंस को डिनाई नहीं करना है, सॉरी बोल के आगे नहीं बढ़ जाना है। आप क्वेश्चंस को ट्राई करिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलिए, कि या फिर कोई गलत बात मत बोल दीजिए वहाँ पे कि आप गलत आंसरिंग कर रहे हैं ज़बरदस्ती बस कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट पैनल बैठा होता है तो वो पहचानता है हर चीज़ को। आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आते, नहीं तो आप उनको बोल दीजिए कि सर, डायरेक्टली बोल दीजिए ऑनेस्टी से कि मुझे सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। क्या क्या सवाल पूछे थे आपसे, कुछ याद है सर आपको? जी जैसे हॉबीज़ से मेरा क्वेश्चन उठा था कि क्रिकेट से रिलेटेड, कि जो वुमेन क्रिकेट होता है उसमें बाउंड्री कितनी बड़ी होती है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इसमें इसका नेचर बहुत ही कंफ्यूजिंग था, तो मैंने इसका आंसर इसी प्रकार दिया था कि कहीं पे बड़े ग्राउंड्स होते हैं कहीं पे छोटे ग्राउंड्स होते हैं, तो आपकी एक डेफिनेट बाउंड्री तो नहीं होती है, लेकिन एग्जैक्ट हमारी जैसे 65 मीटर की बाउंड्री मैन बाउंड्री हुई मैन क्रिकेट में हुई, तो वुमेन की थोड़ी छोटी रखी जाती है। ये आप इस तरीके से आंसरिंग कर सकते हो उनको, आप अप्रोक्सीमेट हो सकते हो। एग्जैक्ट अगर मैं बोल देता मुझे नहीं पता था कि कितनी होती है, तो मैंने ये बोला कि मेंस क्रिकेट में जो बाउंड्री रखी जाती है उससे छोटी रखी जाती है वुमेन के लिए, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी स्टेमिना के हिसाब से रखा जाता है, तो वो कन्विंस थे। और बाकी एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, आप टेक्निकल फील्ड में क्यों नहीं जाते, आप इसमें आ रहे हो और आप कैसे इसमें ज़्यादा अच्छे फिट हो पाओगे, तो मैंने उनको प्रूफ किया कि सर टेक्निकल आजकल रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, हम इंजीनियर लोग हैं और इसमें अच्छे से टेक्निकल इसमें एंगल दे सकते हैं और उससे डिपार्टमेंट को मदद होगी, तो कन्विंस थे वो लोग। इस टाइप से मैं क्वेश्चंस में आगे बढ़ा, जो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था क्लियर कट मैं उनको बोलता था कि सर इसका आंसर नहीं कर पाऊँगा। पर्सनैलिटी टेस्ट है एक तरीके से आपका। 100 में से 91 नंबर आया तो आपका इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया, वो इतने तो शायद ही किसी के आते हैं, मैंने तो नहीं सुना आज तक। जी नहीं, हमारे बैच में शायद 92 हाईएस्ट थे, 91 मेरे थे, मेरे से भी ज़्यादा लोग लाए हैं।
एक ही है वो भी। हाँ, लगभग मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा मिलेंगे मुझे, लेकिन मेरा इंटरव्यू में कोई नेगेटिव पार्ट नहीं रहा था शायद इसलिए। आपको बचना चाहिए किसी भी नेगेटिव पार्ट से। आप उनको अगर आप वो आपको इरिटेट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन पे, बीच में उठ के चले जा रहे हैं उसमें से पैनल में एक, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हुई है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, इसका ध्यान रखिए। आप नज़रें मिला के उनसे, पैनल में जितने भी लोग हैं उनसे बात करिए, तो उससे वो लोग खुश होते हैं और इसी पे आपको प्लस पॉइंट मिलता है। तो सर जैसे एक चीज़ और पूछनी है इंटरव्यू के बारे में, आपने जो सवाल बताया वो तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। अब जैसे मान लो मैं घुसता हूँ मैं कमरे के अंदर, इंटरव्यू के रूम के अंदर, उसके साथ में एकदम क्या होता है एक्सपीरियंस? कहीं कहीं मैंने जगह देखा है बहुत सारे कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन में अपने को पूछ के बैठना रहता है, सर मैं आई सेट, सर मैं आए। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, प्रशासन का मान है। खुशबू इसमें स्वाभिमान की हमेशा बनी ही रहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। कोई वायरस या महामारी हो या हो सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर पहला वार ये खुद पर ही सहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। रक्षाबंधन का वचन ये बखूबी निभाती है, बुराई पर अच्छाई की जीत ये खुद कहलाती है। न्याय की गुहार में ये हमेशा आगे रहती है, खाकी हमेशा निर्भीक रहती है। निर्भीक खाकी को पाने की तैयारी में परीक्षा ऐप है आपके संग, आइए और हिस्सा बनिए मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन बल का स्वाभिमान। देश में या दैट, तो इस टाइप की चीजों की जरूरत रहती है। आपके साथ आपका पूरा एक्सपीरियंस बता दीजिए कैसा। जी जी, किसी भी इंटरव्यू में सिर्फ पीएससी का ही इंटरव्यू नहीं है, यूपीएससी का हो, पीएससी का हो, एसएससी का हो, किसी का भी इंटरव्यू हो, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक्सपर्ट पैनल के केबिन में जा रहे हैं अंदर, तो आप पहली बात तो हल्के से नॉक करके पहले पूछेंगे, हल्का सा दरवाज़ा खोल के, मे आई कम इन सर या मैम, जो भी बैठे हैं। फिर वो लोग यस कहेंगे और उनको पता है कि आप दरवाजे पे हैं, वो यस कहेंगे, आप अंदर जाएंगे, आप तब तक नहीं बैठेंगे जब तक कि वो लोग नहीं बोलेंगे। आप चेयर के ठीक बगल में थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड 4 सेकंड के लिए खड़े रहेंगे, उतनी देर में वो बोल देंगे कि हाँ बैठिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू होगा। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना निकले जिसको कि वो पकड़ लें। आपसे वो इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं तो आप केवल लिमिटेड इंट्रोडक्शन दीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ मत बोलिए उसमें। और बाकी क्वेश्चन आंसर में आपको मैंने अभी पहले बता ही दिया है कि किन किन बातों का ख्याल रखना है। अगर गलती से कोई बात निकल गई तो उसको घुमाने के कोई तरीके रहते हैं कि वही अपने को घुमा देंगे? जी नहीं, घुमाने वो लोग पैनल में कभी कभार कोई ऐसा बैठा होता है जो घुमाने की कोशिश करता है, तो आप हमेशा, आप ज़्यादा डिफेंसिव भी मत होइए, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव भी मत होइए, नॉर्मल एक स्टैंड लेके चलिए। अगर कोई आप पे ज़्यादा चढ़ रहा है कोई पैनल में, तो आप थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाइए। और कहीं पे कोई ये सोच रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं आती, बिल्कुल ही नहीं आती, तो आप उसमें थोड़ा बढ़ के एक्स्ट्रा उनसे परमिशन मांगे कि सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, इस टाइप से बोल करके आप भले ही इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी लैंग्वेज में आप अपनी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लैंग्वेज का कैसा, इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल चल सकते हैं, कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम? जी, पीएससी के इंटरव्यू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सब लोग हिंदी और हमारी जो इंग्लिश कहते हैं उसी में बात होती है। हाँ, कोई किसी ने भी इंग्लिश में मुझसे सवाल नहीं किए, हिंदी में ही सवाल किए सबने। तो उसके बाद में सर इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद में आपका ज्वाइनिंग में कितना समय रहता है इंटरव्यू के बाद और ज्वाइनिंग में? जी एक्चुअली पीएससी का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो डोजियर होते हैं आपके, वो आपके डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो वो तो जल्दी चले जाते हैं पीएससी से, लेकिन जब डिपार्टमेंट फिर आपको ज्वाइनिंग देता है उसमें अक्सर लेट होता है। जैसे हमारे 2017 के बैच में मार्च में रिजल्ट आया था, उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग आई वो हमारी अक्टूबर में आई, काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन जो हमारे बाद वाला बैच था उसकी ट्रेनिंग काफ़ी जल्दी आ गई। तो कोई ऐसा रूल नहीं है, जल्दी भी आ जाती है कभी कभी, 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग आपकी हो ही जाती है। फिर आपका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए सर, कि क्या रहा है आपका, कितने 2 साल की ट्रेनिंग थी ना? जी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है रेंज ऑफिसर्स की, 2 साल की ट्रेनिंग ACF की होती है, और अलग अलग एकेडमी है इंडिया में हमारी, जैसे दार्जिलिंग के पास एक करशोंग नाम की जगह है, वहाँ पे हुई, हिल स्टेशन है वो, वहाँ पे 1.5 साल की ट्रेनिंग चली, काफ़ी रिग्रस ट्रेनिंग रहती है। उसमें 1.5 साल की ट्रेनिंग में आपके 19 सब्जेक्ट होते हैं, उनके एग्जाम्स देने होते हैं आपको, आपके 5 टूर होते हैं, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, ये सारे टूर हमने किए, एक एक महीने के टूर होते हैं, और काफ़ी आपको घुमाया जाता है, सिर्फ फॉरेस्ट एरियाज़ ही नहीं, कल्चरल विजिट्स और टूरिस्ट एरियाज़ भी आपको घुमाते हैं, जंगल सफारी होती है, अलग अलग टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क्स आप घूमते हैं, आप अलग अलग शहर, आप अलग अलग फॉरेस्ट एरियाज के अंदर इंटीरियर में जाते हैं, कॉम्बैट ट्रेनिंग होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है, सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है।
और मुझे नहीं लगता किसी भी स्टेट सर्विसेज में इतनी डिटेल ट्रेनिंग होती है। हमारी आज की डेट में भी हम प्रोबेशन में हमारी HRD ट्रेनिंग और ये सब भी हुई है, और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सिस्टम बनाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो कि शायद किसी और डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया है स्टेट सर्विसेज में। यहाँ तक कि DSP वगैरह भी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लेते होंगे जितनी हम लोग लेते हैं। तो आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं होती, आप डायरेक्ट पूरा पहला 1.5 साल आप जी वो करते हैं, जैसे पुलिस में ऑन जॉब ट्रेनिंग हो जी जाती है, थाने में भेज देते हैं, आपकी जी कभी नहीं हुई ना ऑन जॉब ट्रेनिंग? जी हमारा क्या है कि पहले 1.5 साल तक आप एकेडमी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है MP गवर्नमेंट में। उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हो, आपको सर्किल पोस्टिंग मिल जाती है, फिर उसके 1 साल के बाद आपको रेंज की पोस्टिंग, इंडिपेंडेंट चार्ज जिसे कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। किसी किसी को 1 साल से पहले भी मिलता है ऐसा, तो जी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता होगा ना वो सर? जी जी वो सर्किल लेवल पे हो जाता है डिसाइड। तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को आप जैसे बच्चों को वही सबसे ज्यादा तो पावर दिखती है, बच्चे इन सब चीजों को कम समझते हैं कि जी तैयारी कितनी लगती है, तो आप पावर के बारे में बताइए, जी बंदूक तो मिलती होगी रेंजर्स को तो? जी अभी हम लोग आजकल प्रोबेशन पीरियड में हैं, आफ्टर प्रोबेशन हमारा को रेंज चार्ज मिल जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, और उसमें सभी प्रकार के जो वेपन होता है, शस्त्रागार में भी हमारे वेपन्स रखे होते हैं, हमारी पिस्टल वगैरह सब कुछ मिलता है। आप DFO के माध्यम से, DFO साहब जो होते हैं वो कलेक्टर साहब से लाइसेंस दिलवा देते हैं, आपको फिर इशू भी हो जाती है, आप अपनी भी ले सकते हो। कोई कोई लोग नहीं भी रखते हैं वेपन, तो सेंसिटिव एरियाज़ पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं फॉरेस्ट एरियाज़ में इंटीरियर में बहुत आपका जो है डेडली भी होता है, और वहाँ पे अटैक की भी चांसेस रहती हैं, तो वो लोग रखते ही रखते हैं वहाँ पे रेंज ऑफिसर्स। कहीं कहीं बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रेंजर नर्सरी में पोस्टेड हो गया है, उसको वेपन की ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं रखता आपके पास है सर? है जी। अभी मैं प्रोबेशन पीरियड में, मेरे पास भी अभी नहीं है, लेकिन बाद में लूँगा ज़रूर। तो आपका कभी इस समय में सबसे कुछ जॉब का कुछ वो हुआ है क्या, भिड़ंत हुई है किसी माफिया उनसे कुछ? जी आपने अच्छा सवाल किया, हाल ही में हम लोग ये सब देख के आ रहे हैं जी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी पोस्टिंग खंडवा हुई, खंडवा डिवीज़न में। खंडवा डिवीज़न में पोस्टिंग हुई ही थी, कुछ ही दिनों बाद वहाँ पे अतिक्रमणकारी जो हैं, आपने पेपर में पढ़ा होगा, वो बुरहानपुर में बहुत उन्होंने जो है न्यूसेंस क्रिएट किया, तो हम लोग को बुरहानपुर भेज दिया था। कुछ दिन बुरहानपुर में भी मैं रहा, वहाँ पे जंगल में जो हमारे वो गांव वाले जो होते हैं, वो बाहर से आकर के जंगल की ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। उनको अब जैसे जो भी पॉलिटिकल मोटिवेशन हो या जो हो, उसमें वो लोग कब्ज़ा करते हैं और बोलते हैं कि हमें पट्टा दे दो इसका। जो हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया है 2006 में, उसके तहत वो पट्टे की मांग करते हैं। तो वो पट्टे की मांग के वजह से क्या होता है, वो वन मित्र पोर्टल से अपने दावे लगाते हैं और हमें उसको देखना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उनका जो है निरस्त कर देते हैं जो दावे होते हैं, और जिनको जो पात्र नहीं है वो लोग भी उसका दावा कर रहे होते हैं, तो उनको हमें बेदखली करना होता है। तो उसके लिए हमें जंगल में इंटीरियर में जाना पड़ता है, और वो बहुत बड़े बड़े झुंड में अटैक भी करते हैं। तो हम पे भी अटैक हुआ रात में, हम लोग 11-12 बजे गए थे, 300-400 की भीड़ ने हम पे सामने से हमला किया, टॉर्च लाइट दिखा कर अंधेरे में हमें वॉर्न किया कि पीछे हट जाओ। वो गोफन चलाते हैं, तीर चलाते हैं, आम तौर ये आम बात है, खंडवा बुरहानपुर के पेपरों में आम बात हो चुकी है, और CM भी इसको बहुत क्लोजली देखते हैं, और ये बहुत बड़ा इशू है इस समय MP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और धीरे धीरे ये पूरे MP में ही फैल गया है। खंडवा बुरहानपुर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटेंस है, तो इस टाइप के हमले भी हमने देखे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप काउंटर अटैक करते हैं कि आप खिसक लेते जी। हैं? इस स्थिति में ये होता है कि पहली बात तो हमें बल देखना पड़ता है, हमारे पास बल कितना है। कभी कभी क्या होता है, रेंज में आप रात में जा रहे हो, आपके पास 3-4-5 का स्टाफ है, 6 का स्टाफ है, और आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास पुलिस बल भी हो, राजस्व विभाग से भी लोग आपके साथ हों, आपके पास महिला बल भी हो, क्योंकि वहाँ पे जो भीड़ होगी उसमें महिलाएं भी अटैक करती हैं, वो महिला और बच्चों को आगे कर देते हैं, वो गोफन तीर चलाते हैं, और पुरुष पीछे से जो है उसको पूरा गाइड करते हैं जो भी हमारे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो कितने लोग हैं, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि वो 100 की संख्या में, 200, 300 हैं, उसी हिसाब से आपको अपना उतना बल लेके अंदर जाना होता है। अगर नहीं है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा पीछे से ही स्थिति को समझ के फिर उसके बाद रिपोर्ट करें अपने सीनियर अधिकारियों को, फिर वो जैसा गाइड करें उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपनी विवेक से काम लेना पड़ता है जी सर, जी कुल मिला के ना। हाँ तो डेडली इनकाउंटर्स भी रहते होंगे जी, होते हैं। हमारे स्टाफ को बहुत बार हमला झेलना पड़ा है, घायल होते हैं, कुछ लोग ने अपनी जान भी दी है पहले समय में, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे टाइम देखने को मिलती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं और बहुत खतरनाक भी चीज़ें हैं। आप एक तरफ तो आप जंगल सफारी भी करते हो, एक तरफ आप अतिक्रमणकारियों को भी झेलते हो,
तो ये फ्रंट लाइन स्टाफ में आता है जो रेंजर पोस्ट है, ये की पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। आप एकदम आगे से खड़े होकर के सब कुछ झेलते हो, आपको प्लांटेशन भी कराना है बारिश के टाइम से पहले, और आपको जो है अतिक्रमणकारियों को भी झेलना है, आपको अपने जितने वन्य प्राणी उनको भी बचाना है, तरह तरह के इसमें काम है। मोनोटोनस जॉब नहीं है और बहुत वर्सेटाइल जॉब है, इसमें आपके पास वैरायटी बहुत सारे काम हैं इसमें, तो आपको मज़ा आता है काम करने में। फील्ड जॉब का तो मज़ा ही अलग है सर। जी सर, थोड़ा फॉरेस्टर की पोस्ट के बारे में बताइए। एक्चुअली बिहार में फॉरेस्टर की एग्जाम आई है, तो जो बिहार के जो स्टूडेंट्स मेरे से बहुत बोलते हैं, मैंने बोला कि अपने एमपी में तो डायरेक्ट फॉरेस्टर की रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जी नहीं, एमपी में फॉरेस्ट गार्ड की होती है, फिर सीधे रेंजर की होती है। जी, तो फॉरेस्टर की पोस्ट आपसे जो जूनियर रहते हैं उनका क्या, वो कितने 2 स्टार रहते हैं? जी एक्चुअली फॉरेस्ट गार्ड होता है जो हमारा जो फॉरेस्ट, एक्चुअली फॉरेस्टर जो होता है वो फॉरेस्ट गार्ड के ठीक ऊपर आता है, वो 1 स्टार होगा। उसके ऊपर हमारा डिप्टी रेंजर होगा जो 2 स्टार होगा, फिर रेंजर होंगे 3 स्टार। तो जो फॉरेस्टर पोस्ट है वो कहीं कहीं पर डायरेक्ट भी रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं बिहार में फॉर्म आया है, तो वो पोस्ट पे आप जैसे आप रिक्रूट हुए तो आपको रेंजर बनने के जल्दी चांसेस रहते हैं प्रमोट होके, ये उसका फ़ायदा है। और दूसरा डिपार्टमेंट वही है, काम वही है, बस रेंजर के नीचे उनको काम करना होता है, क्योंकि फील्ड पे रेंजर ही सब कुछ होता है, और उसके बाद जो ऊपर से हमारे डायरेक्शंस आते हैं वो करना पड़ता है। फॉरेस्टर का ये रहता है कि कहीं कहीं पे जैसे कोई पद खाली है तो फॉरेस्टर को ही डिप्टी का चार्ज मिल गया, तो ये फ़ायदे रहते हैं, चार्ज भी मिलते रहते हैं। जी सर, चार्ज भी मिलता है। तो सर इसमें जैसे आपका एक चीज़ मैं पूछना ही भूल गया, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल हुआ था और फिजिकल हुआ था आपका, क्या 25 किलोमीटर की वॉक हुई थी ना सर? जी जी, मेडिकल हमारा हुआ MY हॉस्पिटल में, इंदौर में मेडिकल हुआ, उसमें टाइम देना पड़ता है थोड़ा, 3-4 घंटे लगे लेकिन हो गया था। और हमारी जो दौड़ हुई थी वो नवरत्न बाग में हुई इंदौर में, और 25 किलोमीटर उसमें 4 घंटे में कवर करना होता है, उसको पैदल चाल भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ के करें, क्योंकि 4 घंटे का वक्त है तो आप आराम से उसमें पैदल चल के भी कर सकते हैं, और 25 किलोमीटर है तो कोई आदमी लगातार 25 किलोमीटर दौड़ भी नहीं सकता, आप इजीली कर लोगे। थोड़ा बहुत आप जब जिस दिन आपकी दौड़ आए उससे पहले आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 महीना या 15 दिन कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, आप उस दिन परेशान नहीं होगे। क्योंकि हमारी जिस दिन दौड़ थी उस दिन कुछ लोग बेहोश भी हुए, कुछ लोग बीच में गिर भी गए और कवर नहीं कर पाए थे 1-2 लोग, बाकी सब ने 99% लोग उसको कवर कर ही ले जाते हैं 4 घंटे में 25 किलोमीटर। तो ये उसके ट्रेनिंग के क्या बोलते हैं, इंटरव्यू के पहले होता है कि बाद में होता है ये? जी ये इंटरव्यू के पहले होता है, इंटरव्यू के पहले फिजिकल होता है जी। उसमें कुछ जैसे बैग वैग टांग के पानी वानी पी रख लो, खाना वाना रख लो, ये रख सकते हैं क्या? जी आप दौड़ते वक्त आप अपने साथ जो जो रखना चाहते हो रख लो। मैंने सोचा था बॉटल लेके दौड़ूंगा लेकिन वो फिर पसीना आता है हाथ में और गिर जाता है बॉटल वगैरह, तो इतना वो नहीं है। आप एक छोटी टॉवल रख लो अपने पास, कंधे और वहाँ पे पानी वगैरह का एक जगह इंतजाम भी होता है। आप 1 राउंड 2 राउंड पूरा कर, 1 राउंड पूरा किया थोड़ा सा आपको कुछ पानी पीना है तो पी लीजिए गेट पे, वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे सब इंतजाम था जब दौड़ हुई थी, तो कोऑर्डिनेट करवाया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। सर फाइनल आप जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए और टिप्स दीजिए सर स्टूडेंट को कि आगे जो वैकेंसी आने की क्या संभावना है, और थोड़ा बताइए सर। जी वैकेंसीज का तो ये है कि अभी पिछले कुछ सालों में रेंज ऑफिसर की काफ़ी पोस्टें भरी जा चुकी हैं, लेकिन आगे डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट्स भी हैं और काफ़ी पोस्टें खाली भी हो रही हैं, तो जितनी ज़्यादा पोस्टें पहले आई हैं उतनी तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन कुछ पोस्टें आएंगी ज़रूर। आप तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और आप इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने अभी पिछले अभी आपको इंटरव्यू में बताया भी कि आप अपने नोट्स बनाइए, अपने नोट्स को सबसे पहले रखिए, सबसे अच्छी सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी उसी की रखिए, और कोचिंग के नोट्स को थोड़ा लिमिटेड रखिए। कोचिंग के नोट्स आपको लिमिट कर देते हैं आपके सोचने की शक्ति को, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स का मदद लीजिए, और ऑनलाइन वीडियोस आजकल काफ़ी आए करंट अफेयर्स के, बाकी कोचिंग भी हैं बहुत ऑनलाइन चैनल हैं उनका आप देखिए उनको, उससे अपना नोट्स बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए कि वो किस टॉपिक्स के अराउंड घूमते हैं इनके क्वेश्चन PSC के, और आप कमांड बनाइए जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और आप ये कर सकते हैं कि जो आपके जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं, जैसे फॉरेस्ट के लिए अगर मैं कहूँ तो जो इसका मेंस है उसको निकालने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रह सकती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन बैंक ढूंढिए अलग अलग पब्लिकेशन के और प्रैक्टिस करिए साइंस के, एनवायरनमेंट के, मैथ्स के, और ये हमारे GS के क्वेश्चन,
ये प्रैक्टिस जितने ज़्यादा क्वेश्चंस के करेंगे उतने ज़्यादा आपका स्कोर हाई होता जाएगा। आप डेली एक मॉक लगाइए, वो आपको अपने आप फ़ायदा कर देगा। ठीक है सर, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मैं खुद भी उसका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा क्योंकि मुझे जी खुद को ही इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिली इंटरव्यू के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा, सर ने हमें समय दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।